फेंकियो मत, फेंकियो मत, लो इधर आ जाओ बाल्टी, आप इधर आओ, आ जाइए, देखो हम इधर जाएंगे, आ जाओ इधर आ जाओ, मैं इधर काट लेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। हेलो दोस्तों, दादी माँ आज अपने बानर सेना के साथ फिर से बंदर सेना को लंगर करने के लिए आए हैं। आज हम लेके आए हैं चने, लंगर में चने बंदर को बहुत प्रिय हैं, और पार्ले जी के बिस्किट, केले, हम तीन चीज़ लेके आए हैं आज इनको। आज मंगलवार है, वैसे हम रविवार को आते थे, इस बार मंगलवार को है। मंगलवार वाले दिन ज़्यादा लोग इनको खिला देते हैं तो इनका पेट ज़्यादातर भरा होता है। ये देखो अब हम केले खिला रहे हैं, कैसे केले पकड़ेगा, गाड़ी में से आके ही खड़े होके केले पकड़ेगा। ये देखो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये ले गया रामू बेटा, ले ले राम प्रसाद, ले गया श्यामा प्रसाद, आ जाओ। ये राम प्यारी आई है अपने छोटे से राज दुलारे के साथ, तो राम प्यारी खा रही है चने, उसका छोटा सा सोनू प्यारा सा वो भी चने खा रहा है। ये दूसरी श्याम प्यारी भी आ गई है, ये भी बैठ के खा रहे हैं, दोनों बैठ के, दोनों बहनें बैठ के चने खा रहे हैं आराम से अपने बच्चों के साथ। अब हम आगे जाते हैं इनको दे के, क्योंकि ये एक साथ एक जगह खाते हैं तो लड़ाई करते हैं, इसीलिए मैं इनको अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर इनको चने की ढेरी बना दूँगी, जिससे ये आराम से चने खा लेंगे। इनको चने खाने का बहुत शौक होता है और बहुत खुशी से ये चने खाते हैं। ये बेजुबान है, ये मुँह से दुआ नहीं देते दोस्तों, लेकिन इनके लिए अगर आप थोड़ा सा भी समय और थोड़ी सी मदद करेंगे तो ये आपको बहुत बिना शब्दों के इतनी दुआ देंगे जिसका कि आपने कभी सोचा नहीं। ये मैंने डर रहा है तो दीवार पे ही रख दिया है, तो अब ये दीवार पे से, ये देखो ये दीवार पे आ गया है खाने के लिए चने, और ऊपर ही बैठा है क्योंकि नीचे मोटे बंदर बैठे हैं, कोई कोई दादा बंदर इनको पास नहीं लगने देता, इसलिए मैं चने लेके आई तो अलग अलग, केले तो ये भाग भाग के इन्होंने हाथ में पकड़ पकड़ कर अलग ले ली। ये देखो ये आ गया है सोनू, ये सोनू खा रहा है, ये सोनू ने खा लिया है। ये ऊपर से दूसरा आया रामकिशन, और ये हम जा रहे हैं इधर, इनके पानी के बहुत सारे बने हुए हैं, सभी पानी के उसमें हम गाड़ी में दो तीन डब्बे होते हैं हमारी गाड़ी में पानी के, और इनके सभी पानी में पुराना पानी निकाल के साफ पानी भर देंगे। ये हम दोबारा चने खिला रहे हैं इनको, थोड़ी थोड़ी ढेरी मैंने अलग अलग आए। ये आई है सोन प्यारी, सोन प्यारी आई है अपने छोटे से लाडले बेटे के साथ, और ये खा रही है चने। दूसरी राम प्यारी बैठी है उधर से, वे दो 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 बहनें पीछे खा रही हैं,
खुशी और सोनपरी, ये दोनों बहन खा रही है। प्यासा है, देखो इसने चने खाए हैं। ये जैसे ही मैं डब्बा हटाऊंगी तो ये पानी पीने के लिए बैठा है ताज़ा। और लाइन से कई बर्तन रखे हुए, लड़ाई मत करो, चुपचाप खा लो शाम प्रसाद। ये बहनें अलग अलग हैं, इनके परिवार में दुरानी जिठानियों की बन नहीं रही है तो इसीलिए अलग अलग खा रही हैं। ये लो मैं अलग अलग खा लो, तुम लड़ाई ना करो। तू इधर राजा राम प्यारी, राम भतेरी तू उधर खा ले। ये सोनू मोनू दोनों पानी पी रहे हैं, राम प्रसाद श्याम प्रसाद पानी पी रहे हैं। ये बैठी है चुनिया अपने मोनू बेटा के साथ, और इधर से ये दोनों आ गए हैं। अब ये अलग आ गए हैं, ये देखो छोटी छोटी ढेरियाँ मैंने बना दी है अलग अलग। और ये दादा बैठी है, ये दादी है, ये सबकी बड़ी दादी है, घर की बड़ी बहू है, जो ये इधर उधर देख रही है। खा रहे हैं सब प्यार से, और हमने ये सभी बर्तन पानी के भर दिए। यहाँ भी मैं ये दो तीन बर्तन और आ गए हैं, राम प्यारे और शान प्यारे, ये भी आ गए हैं। रामकृष्ण इसको भी यहाँ दे दिया है। जंगल सारे आसपास के दिल्ली के शहर में कट गए हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, पेट भरने के लिए दो रोटी इनको चाहिए। ये कोई आपसे महल या गाड़ी नहीं मांगते, केवल पेट भरने का। पेट भर जाता है तो छोड़ देते हैं। ये देखो ऊपर जाके पेड़ पे कैसे झूल रहे हैं सारे के सारे, मस्ती में, फुल मस्ती में है इस टाइम। केले खा के, बिस्किट खा के, अपना पेट भर के, चने खा के, पानी पी के जाकर ऊपर बैठ गए हैं। इधर हमने इसका दूसरा टब भी, पुराना पानी था जो वो खाली कर दिया है, और दूसरा डब्बा निकाल कर इसमें भी पानी भर देंगे। वो भैया भी अब केले थोड़े पड़ गए थे तो केले और लेने गए हैं केले वाले से, और सभी को केले खिलाए प्यार से। और ये ऊपर देखो ऊपर कैसे बैठ गए हैं, अब ये नीचे बैठ रहे हैं। जैसे ही हम दूर हटेंगे तो ये पानी पीने आ जाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, आगे दूसरे बर्तन में भी पानी भरेंगे। इस केले वाले भैया बैठे, यहाँ से केले और लिए हैं क्योंकि केले कम पड़ गए थे, वानर सेना ज़्यादा थी आज, ये भी बढ़ दी है। ये देखो उसने ऊपर से केले का छिलका फेंका, इसको